हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो आईआईटी जेम 2012 का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है हमारे पास द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 9 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन है ए 1, 3, 5, 9, यानी कि इसके जो रियल रूट होंगे वो कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं द गिवन पॉलिनोमियल इज है हमारे पास एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर सॉरी एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, प्लस या माइनस माइनस प्लस कुछ चेंज नहीं हो रहा, प्लस है प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है यहाँ कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स पॉजिटिव रूट? अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो 1 प्लस कुछ पॉजिटिव, इसकी एक्स का अगर कुछ पॉजिटिव रूट हम मान लें, पॉजिटिव रूट होना चाहिए, तो 1 और प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर 0 नहीं हो सकता, तो इसका पॉजिटिव रूट नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, हम एक्स बराबर माइनस एक्स रख के देखा तो हमने देखा माइनस एक्स पावर 7 माइनस एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 13 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार साइन चेंज हो रहा है, तो इसका जो एक रूट है हमारे पास पॉजिटिव रूट मिल जाएगा, जिसके लिए ये वैल्यू पूरी 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे एक बार साइन चेंज हो रहा है तो इसका एक ही रूट होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट इज 1। थैंक यू फ्रेंड्स।